इसराइल और हमास के बीच जारी आर पार की जंग अब और तेज हो गई है। गाजा में इजरायली सेना हमास के ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बना रही है। IDF के जवान घरों और सुरंग में घुसकर हमले को अंजाम देते दिख रहे हैं। इस बीच हिजबुल्ला आतंकी संगठन भी लेबनानी सीमा से इसराइल को लगातार चुनौती पेश कर रहा है। हिजबुल्ला लड़ाके दक्षिणी लेबनानी शहर से इसराइली सीमा पर भीषण बमबारी कर तबाही मचा रहे हैं। हिजबुल्ला ने इजरायली सैन्य संपत्ति खासतौर से इजरायली मरकवा टैंक के खिलाफ शुरू किए गए एक ऑपरेशन का फुटेज जारी किया। इसमें एक सटीक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी ATGM हमले को दिखाया गया है। हमले में इजरायली अल बगदादी सैन्य स्थल पर खड़े मरकवा टैंक को निशाना बनाया था। ATGM पर लगे कैमरे में रिकॉर्ड फुटेज सैन्य लक्ष्य को निशाना बनाने, उसे नष्ट करने में ऑपरेट और सिस्टम की सटीकता को दिखाया गया। दावा है कि हिजबुल्ला ने जनवरी 2024 से दो अन्य ऑपरेशनों में भी इस खास तरह की प्रणाली का इस्तेमाल किया है। हिजबुल्ला ने पहले इजरायली मरकवा टैंक और बख्तरबंद वाहनों पर कई हमलों का खुलासा किया है। हालांकि ये पहली बार है कि हिजबुल्ला ने इजरायली टैंक के खिलाफ ATGM सिस्टम का इस्तेमाल किया है। माना जा रहा है कि हिजबुल्ला अब अत्यधिक प्रभावी हथियारों का उपयोग करके इन इजरायली बलों और सैन्य उपकरणों को निशाना बना सकता है, जो लड़ाकू विमानों की सीधी नजर में नहीं है। हाईटेक कैमरे के माध्यम से ऑपरेटरों को वास्तविक समय की फुटेज मिलती है, जिससे टारगेट का सटीक पता लगाने और मिसाइल को उनकी दिशा में चलाने में मदद मिलती है। ऐसे में ये जानना भी बेहद जरूरी है कि ATGM सिस्टम क्या है और कैसे ऑपरेट होता है। इसके माध्यम से दुश्मनों को अधिकतम सीमा तक मारा जा सकता है। इसमें हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक का मिसाइल होता है, जिसके इस्तेमाल से विरोधी टैंकों के सुरक्षात्मक कवच को भेदा जा सकता है। इसमें एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर का यूज करने वाले बख्तरबंद वाहनों को भी उड़ाया जा सकता है। यानी आज के जमाने का कोई टैंक या बख्तरबंद वाहन इससे बच नहीं सकता। गौरतलब है कि जब से इसराइल हमास के कब्जे वाले गाजा में हमले कर रहा है, जिसकी वजह से गाजा में मासूम और निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, तभी से हिजबुल्ला लगातार इसराइल पर हमले कर रहा है। हिजबुल्ला के नेतृत्व वाली सेनाएं 8 अक्टूबर से सीमा पर लगभग हर रोज हमले कर रही है।